पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह से मुलाकात कर उन्हें मांग संबंधित ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की तिथि यथाशीघ्र घोषित किए जाने और इस चुनाव में लिंग द्रोह की संस्कृति को विश्वविद्यालय की पटल पर प्रस्तुत किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान छात्र नेता राजू यादव, अभिषेक कुमार, शिव शंकर गौड़ सहित कई छात्र नेता मौजूद रहे। छात्रों की मांग पर कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर जल्द ही उचित कार्रवाई किया जाएगा। संदर्भ हम लोग का मुद्दा है और उसी मुद्दे को लेकर हम लोग आए हैं और शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। सरकार से परमिशन होता है वो भी हम लोग लेंगे। परमिशन सर हो जाए ग्रांटेड तो वहाँ भी परमिशन लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग जिस तरीके से अपना एक अध्यादेश दे देता है सब क्या चीज है तो हमारा भी मेन अगर आ जाएगा तो दिक्कत नहीं रहेगी सर। छात्र लोग आते हैं वो संघर्ष करते हैं, बुरा समय देते हैं, पढ़ाई भी उनका डिस्टर्ब होता है। विश्वविद्यालय स्पष्ट करते मैं चुनाव चाहता हूँ देखिए चला जाए कि हम लोग को बस शासन चलाना। हम लोग का विनम्र निवेदन है कि हम लोग भी चुनाव चाहते हैं। गार्जियन से लड़ेंगे तो मेल भाई अपनी बात कर रहे हैं। हम लोग चुनाव चाहते हैं। मुख्य बिंदु है सर मेन मान लीजिए छात्र संघ चुनाव तो होना ही चाहिए। विद्यार्थियों का कितना समय बर्बाद होता है क्लासेज में, उसके बाद क्लास के बाहर अस्पष्ट रहता स्थिति की आखिर होना क्या है विश्वविद्यालय में। सर विश्वविद्यालय स्पष्ट करके सबसे पहले कि हम शासन चुनाव कराएंगे और लिंग दो की संस्कृतियों को हम फॉलो करेंगे। जैसे सर दो तीन उसमें वो विवाद सर हम बता दे रहे हैं सर उसमें लिखा ही गया। एक विवाद ये है सर सबसे एक पहला विवाद ये है कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जिनको सेल्फ फाइनेंस नहीं रख सकते जो कर रहे हैं। तो पिछले सर ये आप विश्वविद्यालय के जो भी है सर आप विश्वविद्यालय के पोर्टल पे अपनी तरफ से जारी करेगी सर आप नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा की संस्कृति को फॉलो करेगी तो हम लिख के देंगे शासन से लिख के आएगा शासन से स्पष्ट कर दिया जैसे कि पिछली बार जैसे पिछली बार की तरह आप ऐसा जब लिंगों की संस्कृति हम डाल देंगे जी आप उसमें जो क्वेरी करेंगे उसका जवाब आपको मिलता है। पिछले वर्ष की तरह सर जो हम लोग के साथ बिहार युवा विश्वविद्यालय के साथ संपर्क नहीं किया गया सर इसमें कुछ एडमिशन है जैसे अपग्रेड शिक्षा हो गया, डिजास्टर हो गया, बीजे हो गया, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि किससे लड़ सकते हैं किससे नहीं लड़ सकते हैं। तो ये भी सब एक बार क्लियर हो गया है पूर्व में इससे पहले उस पूछना उसमें हमसे जी सर ठीक है अवगत लिखा गया है पिछले बार विश्वविद्यालय हो ही रहा है। नहीं सर इसमें जो दूसरा मांग है जैसे लिंगदो पे जो है इसलिए हम लोग आप अपने पोर्टल पे डाल देंगे इसके नियम के तहत करवा देंगे उसमें डाल देंगे। लेकिन एक चीज में और आता है सर मैं आपको बता दूं अन्य विश्वविद्यालय में है कि लिंगदो के साथ सब विश्वविद्यालय स्वयं का अध्यादेश जारी करता है जो उसमें मांगता है। हमने उनसे ले लिया था जी नहीं इलाहाबाद में सर ऐसा होता है जो है जो हमारे प्रदेश के लिखा लिंगदो से ही करा सकते हैं उसमें जो आपका अध्यादेश है वो तो लागू नहीं होता है। उसी को हम जब मान लेते हैं वो अध्यादेश हो जाता है जो मान लीजिए नहीं नहीं वो ऑलरेडी उसको इंसर्ट कर सकते हैं। लिंगदो जो भी है सर वो एक सिफारिश है लिंगदो नियम नहीं सर पहली चीज सिफारिश है। जैसे विश्वविद्यालय का अपना भी गाइडलाइंस होता है सर 15 चुनाव हुआ था तो विश्वविद्यालय ने अपना भी गाइडलाइन लगाया था सरकार से आया था ना क्या सर लास्ट से सरकार उसमें क्या था कि लिंगदो के रिकमेंडेशन के हिसाब से ही चुनाव कर 100% सुप्रीम कोर्ट की वो जुलाई के स्टार्ट में ही और सत्र जब चालू से शुरू है और उसमें कैलेंडर में भी उसको डालने काम कर रहे हैं। और सर एक अनुमानित डेट हम लोग को हम यही लिख के भेजेंगे जिन लोग जो की समितियों के हिसाब से हम करने जा रहे हैं जी जी वो सरकार से आएगा कराइए आप तो वो पिछले बार भी यही लिख के भेजे थे और यही भेजेंगे। अब 25 दिन दो की समितियों का इंटरप्रिटेशन क्या इंटरप्रिटेशन है जिसपे जिसपे आपको कंफ्यूजन है आप वो हमको क्वेरी दीजिए तो लीगल एडवाइस दे देंगे ताकि कल को कोर्ट में ना पहुंचे तो बता रहेगा आपका हमारा उद्देश्य दोनों खत्म हो गया। कुछ चीजें जो विवाद सर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो मेन कॉलेजेस हैं सर उसमें कॉलेज की बात नहीं करो आप यूनिवर्सिटी से जुड़ा
हुआ है ना सर, जैसे दिग्विजय नाथ हुआ सर, ये विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ, बाहर का तो कॉलेज है नहीं यार, वही करता है जो हम करते हैं। नहीं सर, वो कुछ अलग भी किया है ऐसा नहीं सर, किया होगा उसकी जवाबदेही उसकी है, हमारी नहीं है। हमारी अनुमानित तिथि वार्षिक कैलेंडर में दर्ज कर दिया सर, क्योंकि वो भी छात्रसंघ चुनाव के लिए तो शासन से परमिशन लेना पड़ता है, गत वर्ष भी लेना पड़ा था, तो ईयरली बेसिस पे परमिशन लेने के लिए भेजा जा रहा है। जैसे ही परमिशन प्राप्त हो जाएगी और लिंग दो समिति के हिसाब से उसके चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।